अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्यारे दोस्तों, मैं हूं तुफैल अहमद खान और आप लोग देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल डेली साल्ट हदीस। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस्लाम में नए साल की मुबारकबाद दी जा सकती है या नहीं, इस्लामी कैलेंडर के एतबार से या फिर इंग्लिश हिंदी कैलेंडर के एतबार से, और इस्लामी साल मुहर्रम की मुबारकबाद दी जा सकती है क्या। तो देखिए मेरे भाइयों, ये इस्लामी नया साल मुहर्रम तब हुआ जब नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे मुबारक में 17 हिजरी में उसको पहला महीना माना गया। इससे पहले नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये पहला महीना था ही नहीं साल का, और ना ही इससे नया साल शुरू होता था। महीने पूरे थे लेकिन वो सर्कल में थे, स्टार्टिंग वहीं से था लेकिन वो महीने के महीने, महीने के बाद महीना, महीने के बाद महीना था। हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे मुबारक में जब काउंट का इशू आने लगा तो उन्होंने चूँकि हिजरत करके नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िलहिज्जा के आखिरी अय्याम में हिजरत करके निकले थे, जिस दिन आप मदीना पहुँचे उस दिन एक मुहर्रम था, तो आपने कहा क्यों ना मुहर्रम से इस्लामी कैलेंडर शुरू किया जाए। तो नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ना ही ये कैलेंडर का पहला महीना था और ना ही आपने इसे साल का पहला महीना माना, लेकिन ज़रूरत के तहत इसको साल का पहला महीना माना गया और सहाबे किराम खामोश रहे, लिहाजा मुहर्रमुल हराम साल का पहला महीना बन गया। तो लिहाजा इस पर शरई एतबार से हमको हुक्म मिल ही नहीं सकता कि यह पहला महीना है, चूँकि ये नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं था। हम सब इसको कह ही नहीं सकते कि इसकी मुबारकबाद दी जाए, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में तो दी ही नहीं गई, तो लिहाजा अवॉइड करना ही ज़्यादा बेहतर है। और इसी तरीके से इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से अगर हम देखें तो मेरे भाइयों, ये नया साल मनाना 31 दिसंबर की रात को नाच गाना करना, पार्टियां करना, नए कपड़े पहनना, ये मेरे भाइयों यहूदियों का तरीका है मेरे भाई, यहूदियों का तरीका है, गैर मुस्लिमों का तरीका है मेरे भाइयों और बहनों। तो लिहाजा मेरे भाइयों और बहनों, आप मुस्लिम हैं इसलिए मेरे भाइयों आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि यहूदियों का तरीका मत अपनाएं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर ज़िंदगी गुजारे। मेरे भाइयों, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब इस्लामी कैलेंडर और इस्लामी नए साल की मुबारक देने की इजाज़त नहीं है तो मेरे भाई जो इंग्लिश हिंदी के कैलेंडर और नए साल की मुबारकबाद हम कैसे दे सकते हैं मेरे भाई, कैसे दे सकते हैं जबकि हमें कहीं हुक्म ही नहीं है मेरे भाइयों। तो ज़रा गौर फरमाइए मेरे भाइयों, अपनी इसलाह करिए, नए साल की फिक्र मत करिए मेरे भाई। हम किस नए साल की खुशी मनाएं मेरे भाई, जबकि हमारे मौत एक साल और करीब हो गया, हम मौत के एक साल और करीब आ गए, हमारा वक्त एक साल कम हो गया, हमारी ज़िंदगी में से कम हो गया मेरे भाई, तो हम किस बात की खुशी मना रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, अपनी इसलाह करो और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर ज़िंदगी गुजारे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर ज़िंदगी गुजारने से दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, आखिर में इसी दुआ के साथ इस वीडियो का अख्तिताम करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और हमें और आपको नेक रास्तों पर चलाए और गुनाहों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो 1 जनवरी से पहले इस वीडियो को, मेरे भाइयों अगर आपको अच्छी लगी हो तो 1 जनवरी से इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।